निराश्रित महिला, विधवा महिला हो या वृद्धजन हो, इन सभी लोगों के मानदेय में सीधे बढ़ोतरी की गई है। दिव्यांग जन हो, हमारे यहां किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं, हमारे यहां निराश्रित जो है उस निराश्रित के नाम पर ही उसको पेंशन दी जाएगी। ऐसा नहीं होता जो पिछली सरकार करती थी, अपनी पार्टी के नाम पर वह जबरदस्ती खैरात बांटती थी, प्रदेश के खजाने में डकैती डालने का कार्य करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा कि जो गरीब है उसके साथ हम खड़े होंगे, उसके साथ हमारी संवेदना ही नहीं होगी बल्कि शासन की योजना भी होगी। और भाइयों बहनों, शासन की योजनाओं को जोड़ने के लिए ही आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। माननीय गडकरी जी का आगमन इस जौनपुर जनपद में आज हुआ है। आज उनके द्वारा यहां पर जो बहुप्रतीक्षित मांगे आपकी थी, शिलान्यास के उन कार्यक्रमों का, चाहे वह भदोही से जौनपुर मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य है, लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से कार्य होगा, उसका शिलान्यास हो रहा है। मछली शहर से भदोही मार्ग के चौड़ीकरण के कार्य पर 700 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, आज उसका भी शिलान्यास यहां पर हो रहा है। जौनपुर में एक मेजर ब्रिज के निर्माण की कार्रवाई, इस पर भी यहां पर आज उसका भी कार्य, उसका शुभारंभ माननीय गडकरी जी के द्वारा किया जा रहा है। और इसके साथ ही जनपद जौनपुर से जुड़ी भी लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और लगभग 31 करोड़ की योजनाओं का यहां पर आज लोकार्पण का कार्यक्रम जनपद स्तर पर हो रहा है। पिछले दिनों हम लोग आए थे और उस समय मैंने कहा था इस सत्र में जौनपुर का मेडिकल कॉलेज भी प्रवेश के लिए तैयार हो जाएगा और जौनपुर मेडिकल कॉलेज में इस साल MBBS के प्रथम वर्ष में बच्चों का प्रवेश का कार्य भी प्रारंभ होने जा रहा है। भैया बहनों, भाजपा समाधान लेकर के आती है और उस समाधान के साथ आपको जोड़ने के लिए जो कहा सो करके दिखाया। विकास हो, गरीब कल्याण हो या आस्था का सम्मान हो, आस्था का सम्मान 13 दिसंबर को अभी आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुआ है। आपने कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा था, कितना भव्य कार्यक्रम था। और प्रधानमंत्री जी जब आए तो पहले गंगा जी में डुबकी लगा करके मां गंगा के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त किया, फिर बाबा विश्वनाथ जी का अभिषेक किया और फिर शिव जी की पूजा के बाद श्रमिकों का सम्मान किया। आपने देखा पहले कभी श्रमिकों का सम्मान होते हुए कभी देखा था, पिछली सरकारें करती थी क्योंकि उनको फुर्सत नहीं थी, गरीब की चिंता नहीं थी। पिछली सरकारें श्रमिक का मानदेय और उसका स्वयं के पारिश्रमिक पर ही डकैती डाल देती थी। इस समय तो श्रमिक का भी सम्मान हो रहा है, किसान का भी सम्मान हो रहा है, युवा का भी सम्मान हो रहा है, बहन बेटियों को भी सम्मान दिया जा रहा है और हरेक तबके को सम्मान देते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। और भाइयों बहनों, काशी विश्वनाथ धाम उसका उदाहरण है। शिव की पूजा भी होगी तो राष्ट्र निर्माण में अपना खून पसीना लगाने वाला श्रमिक भी हमारे लिए सम्मानित होगा और उसको भी मंच से सम्मानित करने का कार्य होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी में यही किया। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण की कोई बात ही नहीं करता था पहले, आज आप देखते होंगे अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है, भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। 2023 के अंत तक रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, हम सबको आशीर्वाद देंगे। हमारी पीढ़ी इस बात के लिए सौभाग्यशाली है
कि प्रभु राम के मंदिर को अपनी आंखों के सामने हम सब बनते हुए देख रहे हैं। प्रभु राम को भगवान राम के भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए भी हम सब अपनी आंखों से देखेंगे। यही है नया भारत का नया उत्तर प्रदेश। यहां विकास भी होगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बनाए जाएंगे, रोजगार के साथ उसको जोड़ने का कार्य भी होगा, गरीब कल्याण के कार्य भी होंगे, आस्था का सम्मान भी होगा और पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ एक तरफ बुलडोजर सड़क बनाने का काम करेगा, दूसरी तरफ उन माफियाओं की छाती में भी चढ़ाने का काम करेगा। साढ़े चार वर्ष में कोई दंगा यूपी में नहीं होता है और यही नया यूपी है, क्योंकि जब दंगा नहीं होगा, अपराध नहीं होंगे तो बड़े बड़े उद्योगपति यहां निवेश करने के लिए आएंगे, निवेश होगा तो रोजगार पाएंगे, यहां का नौजवान यही को रोजगार पालेगा। और भाइयों बहनों, आज इस बड़े कार्यक्रम के साथ आप सबको जोड़ने के लिए माननीय श्री नितिन गडकरी जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को पिछले सात साढ़े सात वर्ष के दौरान लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट यूपी को दिए हैं, जिन पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और आज भी हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को यहां पर शिलान्यास के साथ और लोकार्पण के साथ जोड़ने के लिए वे स्वयं जौनपुर में आए हैं, उनके स्वयं के संसदीय क्षेत्र में उनका कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन जौनपुर वासियों से और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों के प्रति अपनी आत्मीयता को दिखाने के लिए वे आज स्वयं वहां से यहां आए हैं। कार्यक्रम के बाद फिर सायकाल वापस फिर अपने संसदीय क्षेत्र में जाएंगे। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से माननीय नितिन गडकरी जी का जौनपुर वासियों की ओर से, मछली शहर वासियों की ओर से और पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे नमः पार्वती पतये हर हर।